सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा मसाज के ऊपर। मसाज बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे स्वास्थ्य के लिए। हम कई तरह से अलग अलग रोगों में अलग अलग तेलों का प्रयोग करते हैं मसाज में, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक जनरल मसाज है जो आप हर रोज़ बिना ऑयल के कर सकते हैं। नहाने के बाद जब आप टॉवल का प्रयोग करते हैं तो टॉवल का प्रयोग आपको ठीक से करना है ताकि आपकी बॉडी की मसाज हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको वही टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप मसाज के लाभ ले सकें और अपनी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक रख सकें। एनर्जेटिक फील करेंगे आप केवल 5 मिनट जो आप बाद में पानी को सोखते हैं टॉवल से, उसको ठीक से सही विधि से यदि आप करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये मेरे हाथ में एक कॉटन का टॉवल है। तो जब नहाते हैं, नहाने के बाद पानी को जब सोखते हैं तो केवल पानी ही नहीं सोखना, मसाज करनी है। मसाज कैसे करनी है, अपने पैर के तलवे से शुरू करें। टॉवल को थोड़ा रोल करके ऐसे मसाज पैर के तलवे को पूरा, मैं एक पैर की करके दिखा रहा हूँ, आप दोनों की करें ऐसी। फिर नीचे काफ से शुरू करते हुए ऊपर तक पूरा, नीचे ऐसे 5 से 7 बार इस प्रकार से करते रहे। फिर दोनों पैरों के, दूसरे पैर की भी ऐसी कर लें। फिर आप अपने पीठ की करें। पीठ में भी अक्सर जो स्टिफनेस रहती है, दर्द रहता है, वो इससे ठीक हो जाता है। आप ऐसे पूरा पूरी स्पाइन दोनों साइड पूरा ऐसे ऊपर नीचे, इससे आपके शोल्डर भी ठीक हो जाते हैं। शोल्डर का पेन, गर्दन की मसाज करें जिन्हें सर्वाइकल रहता है इस प्रकार से। फिर अपने स्पाइन के साइड में जिन्हें फ्रोजन शोल्डर है उनका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा इस अभ्यास को करने से। कंधे में जकड़न रहती है इस प्रकार से। फिर अपने टॉवल को फ्रंट साइड में, बॉडी के फ्रंट साइड में हाथ को पहले ऐसे रगड़े, अच्छे से रगड़ना है, केवल पानी नहीं सोखना है। रगड़ो पूरा अपने प्रकार से। फिर अपने पेट के ऊपर क्लॉक वाइज घुमाओ, इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा आपका। जिन्हें कब्ज रहता है वो जरूर करें, जिन्हें कब्ज रहता है वो 5-7 मिनट केवल पेट पर ही घुमाए। और लीवर, पेनक्रियाज, इनका फैटी लीवर है, लीवर के ऊपर मसाज करें। पेनक्रियाज, डायबिटीज़ वाले पेशेंट, हीमोग्लोबिन कम रहता है, स्किन के ऊपर मसाज करें। हार्ट के ऊपर, हार्ट अटैक नहीं होगा कभी। ऐसे इस प्रकार से आप मसाज को पूरा करें। जनरली जब आप नहाने के बाद पानी को पहुँचते तो बस ऐसे ऐसे करते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल जैसे एकदम बहुत सुकोमल प्रकृति के, तो ऐसे नहीं करना, रगड़ना है उसको, मसाज करनी है आपको। तो मसाज से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, तो आप इसको ज़रूर करें। तो आपने देखा कि नहाने के बाद यदि आप 5 से 7 मिनट इस प्रकार से अपनी बॉडी की मसाज कर लेते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से बच जाते हैं। बहुत तरह की जो समस्याएं ठीक नहीं हो रही थी आपकी, आप इस प्रयोग को करें और आपकी वो समस्याएँ भी ठीक हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप टॉवल लें और पेट की मसाज करें 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक थोड़ा घुमाते रहें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रयोग है, आप ज़रूर करें और अपने आप को निरोगी बनाएं। सर्दियों के मौसम में ऑयल मसाज कराएं, इससे आपकी जो डीप टिश्यू हैं वो हेल्दी हो जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्मा में अभ्यंगम का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत सारे रोगों में उससे आपको लाभ होता है। तो आप अभ्यंगम जरूर कराएं, पंचकर्मा कराते रहें समय समय पर। ये आयुर्वेद की बहुत पुरानी विधि है, बहुत साइंटिफिक विधि है जो हमें स्वास्थ्य देती है। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।
सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।